आज सीमा का वाकया हुआ तो आप रोड्स पे ऊपर आ गई हैं। आया कि जब चंद्रयान 3 भेजा गया, जब इलेक्ट्रिकल कार बनाई गई, जब उनके रिजर्व्स 600 बिलियन डॉलर हुए, तब आप लोग रोड्स पे निकले? नहीं निकले। अनफॉर्चुनेटली हमारा मुल्क पाकिस्तान पहले ही बहुत बदनाम है, तो इसको हमें पॉजिटिव सेंस में लेना चाहिए। जो कुछ हुआ है वो बहुत बुरा हुआ है। आया कि यहाँ पर हमारे मंदिर की बात है, बहुत बुरी बात है, नहीं जलाया जाना था। मस्जिद के अंदर धमाके नहीं हुए, चर्चिस नहीं जलाए गए, पहले भी बहुत वाकया हुए। इसको मजहबी जो मामला होते हैं, अनफॉर्चुनेटली इस चीज़ को इंडिया सोशल मीडिया से उठाता है और इतना वो पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता है कि मेरा ख्याल है कि उसको हम उसे वहाँ पर छोड़ दें, सिक्योरिटी एजेंसीज के ऊपर छोड़ दें, गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ दें कि वो क्या तहकियात करवाती हैं और क्या सज़ा देती हैं। अगर वो पाकिस्तान आती है तो नो डाउट उसकी सज़ा यही है कि जो एक मुर्तद की सज़ा होती है, क्योंकि उसने उसकी जो मैंने वर्डिंग सुनी थी, उसने कहा था जी पहले मैंने इंडिया जाना है, पहले मैंने वहाँ पे कोई स्नान करना है, वो जो उनका कोई रस्म होती है कोई मखसूस उनकी, वो फिर वो कह रही थी कि मैंने हिंदुइज्म जो है वो इख्तियार करना है। ठीक है, साफ ज़ाहिर है जो इस तरह की बातें कर रही है तो ये अवाम, हमारे उलमा इकराम या हमारा जो मुल्क के मतलब जो हमारे कानून नाफज़ करने वाले इदारे हैं वो उसको छोड़ेंगे थोड़ी। इंडिया को हर वक्त कोई ना कोई शोशा चाहिए, चाहे वो कबूतर हो, चाहे वो गुब्बारा हो, चाहे वो खुद ही अपनी फसलों को आग लगाएं और सारे डाल दें पाकिस्तान के ऊपर, चाहे वो ट्रेन खुद चलाएं और डाल दें सारा पाकिस्तान के ऊपर। ये उनका एक हमेशा से किरदार रहा है। देखें, उन्होंने कहा जी वो एजेंट है, ये है, वो है, वो ना एजेंट है ना वो उसका वो कैलिपर है। और दूसरा, जो एजेंट होता है वो कभी सामने नहीं आता, उसको तो ये पकड़ भी नहीं सकते। हमारी जो एजेंसीज हैं, हम बड़ा प्राउड फील करते हैं कि हमारे जो जवान हैं को उनकी हवा का भी नहीं पता होगा कि ये, अगर ये सोच ले इंडिया के वो इनके हाथ में लग जाएंगे और ये पकड़ लेंगे, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। गुज़श्ता 14 अगस्त को हमने एक नगमा जारी किया, उन्होंने वहाँ पर इलेक्ट्रिकल कार की, फिर अपनी कौम को 500 मीटर लंबा झंडा देंगे 14 अगस्त को, और 15 अगस्त को फिर वही कि इंडिया हमारा दुश्मन है और हम बहुत ज़्यादा कौम है। तो अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ को मैं बदलना होगा। तो सिर्फ ये नहीं कि वो हमारा दुश्मन है, दुश्मन की भी पॉजिटिव चीज़ें होती हैं, हमें सीखना चाहिए उनसे। दुबई से चला, नेपाल पहुंचा, नेपाल से बॉर्डर क्रॉस करके आपके अंदर आ गया। सीमा हैदर से रिलेटेड, और काफ़ी हद तक आप उस चीज़ से वाकिफ़ भी होंगे। सीमा हैदर को इंडियन कम्युनिटी ये कह रही है, इंडियन ऑफिशियल्स ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि वो एक पाकिस्तानी एजेंट है, क्योंकि वो एक आर्मी फैमिली से बिलोंग करती है। आप इस चीज़ को अपनी एनालिसिस में किस तरह दें? हम ये क्यों नहीं देखते कि इंडिया ने चंद्रयान 3 चांद पे भेजा है? डेफिनेटली। हम ये क्यों नहीं सोचते कि इंडिया ने अपनी इलेक्ट्रिक कार मुतारफ़ करवा दी है? हम ये क्यों नहीं सोचते कि इंडिया का जो स्टॉक एक्सचेंज है या उनका जो स्टेट बैंक है इंडिया का, उसके पास 600 बिलियन के रिजर्व्स हैं, हमारे पास 4 बिलियन के रिजर्व्स नहीं है। तो मैं समझता हूँ ये सीमा वाला मामला कोई मामला नहीं है। मैं चाहिए कि वो चीज़ उठाएँ जिससे एक आम पढ़े लिखे तो ना सही, एक आम जो कारी है, नाजरीन है, देखने वाला है, उसको उसका कोई मोटिवेशन मिले। जैसे बात की चंद्रयान 3 की, क्यों नहीं हमारे बच्चे सोचते चंद्रयान 3 क्या है, क्यों भेजा? ठीक है, ये चीज़ें होनी चाहिए। बाकी हम आजकल जो ओवरऑल बात करें तो हमें मईशत का सामना करना पड़ रहा है, पॉलिटिकल हमें अनस्टेबिलिटी थी वो अब पीछे है, लेकिन अब हमारे पास इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी ज़्यादा अहम है हमारे लिए। तो सर, अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो हिंदूज तो यहाँ पर भी है ना, तो क्या फिर हम लोग उनके साथ भी इस तरह का सलूक करेंगे? तो अगर एक लड़की है, अब आप खुद देखिए कि हम खुद हमारे अपने दीन में है कि दीन में तो जबर ही नहीं है, ठीक है। तो फिर अगर हम लोग इस चीज़ की बात, यहाँ पर फतवे दिए जा रहे हैं, आम लोगों में बड़ा एग्रेशन है कि वो आएगी तो हम उसको कत्ल कर देंगे, उसकी सज़ा मौत है, क्या ये सब वाकई में? अगर वो पाकिस्तान आती है तो नो डाउट उसकी सज़ा यही है कि जो एक मुर्तद की सज़ा होती है, क्योंकि उसने उसकी जो मैंने वर्डिंग सुनी थी, उसने कहा था जी पहले मैंने इंडिया जाना है, पहले मैंने वहाँ पे कोई स्नान करना है, वो जो उनका कोई रस्म होती है कोई मखसूस उनकी, वो करनी है, उसके बाद फिर हम शादी करेंगे, ये वो इस तरह की सारी बातें जो है ना, वो फिर वो कह रही थी कि मैंने हिंदुइज्म जो है वो इख्तियार करना है। ठीक है, साफ ज़ाहिर है जो इस तरह की बातें कर रही है तो उसे हमारा मतलब कि आप भी समझती हैं कि हमारी अवाम, हमारे उलमा इकराम या हमारा जो मुल्क के मतलब जो हमारे कानून नाफज करने वाले इदारे हैं वो उसको छोड़ेंगे थोड़ी, तो इसलिए वो उसे अब अपनी जान के लाले पड़े हुए हैं कि मुझे वहाँ पे ना भेजा जाए। तो बात ये है कि 24 करोड़ में से चंद जो आके बात कर रही है मंदिर गिराया, वो चंद सौ लोग होंगे, चंद सौ ने माइंडसेट चेंज नहीं करना, चंद सौ ने पाकिस्तान की तारीख नहीं लिखनी, चंद सौ ने पाकिस्तान का इमेज नहीं देना, और इमेज आना है ओवरऑल,
अगर वो वाक़ हुआ भी है तो सबसे पहले तो उसकी इन्वेस्टिगेशन जो कि रूल्स है आइन के मुताबिक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अगर तो वाकई वो ऐसा हुआ है तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। इस पर हम कोई दो राय नहीं है एज ए मुस्लिम एज ए पाकिस्तानी। रीजन ऑफिशियल्स की तरफ से दिया गया, मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहेंगे, उन्होंने ये कहा कि वो जो 150 साल पुराना मंदिर है उसका कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर बहुत डेंजरस है, जो कि बात जो है कुछ खास समझ नहीं आती। तो फिर आप इस चीज़ को कैसे रह गए? वो अब आप छोड़ दें, इस पर हम बात इसलिए नहीं करना चाहते कि इसमें मज़ाहब की वजह से बात आती है तो अनफॉर्चुनेटली हमारा मुल्क पाकिस्तान पहले ही बहुत बदनाम है। तो इसको हमें पॉजिटिव सेंस में लेना चाहिए, जो कुछ हुआ है वो बहुत बुरा हुआ है। आया कि यहाँ पर हमारे मंदिर की बात है, बहुत बुरी बात है, नहीं जलाया जाना था। मस्जिद के अंदर धमाके नहीं हुए, चर्चिस नहीं जलाए गए, पहले भी बहुत वाकया हुए। इसको मजहबी जो मामला होते हैं अनफॉर्चुनेटली इस चीज़ को इंडिया सोशल मीडिया से उठाता है और इतना वो पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता है कि मेरा ख्याल है कि उसको हम उसे वहाँ पर छोड़ दें, सिक्योरिटी एजेंसीज के ऊपर छोड़ दें, गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ दें कि वो क्या तहकियात करवाती हैं और क्या सजा देती हैं। आज सीमा का वाकया हुआ तो आप रोड्स के ऊपर आ गई हैं, रात के पहर जब आपको घर में खाना खाना चाहिए, फैमिली को टाइम देना चाहिए, आप सीमा की वजह से रोड्स के ऊपर आप लोग धक्के खा रहे हैं, जो कि हम इंडिया के पर्सन करते हैं। आया कि जब चंद्रयान 3 भेजा गया, जब इलेक्ट्रिकल कार बनाई गई, जब उनके रिजर्व्स $600 बिलियन हुए, तब आप लोग रोड्स पे निकले? नहीं निकले। अनफॉर्चुनेटली हमारी मसला ये है, हमारी तरजीहत जो हो चुकी है ना मीडिया पर्सन की, सोशल मीडिया ही लोगों की, वो तरजीहत सिर्फ मिर्च मसाला हो गया और सिर्फ लाइक्स और व्यूज़ की तरजीहत है। तो इसको हमें बदलना चाहिए। तो कोशिश यही होगी कि आप कल इंशाल्लाह कोई अच्छे टॉपिक के लिए बाहर निकलेंगी। आपसे अभी हम अच्छे टॉपिक पर बात करते हैं। 14 जुलाई को चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ और अगर हम लोग इसी चीज़ पर बात करें तो एक्सपेक्टेड है कि 40 दिन बाद वो लैंड हो जाएगा 23 अगस्त को। डेट पहले जो थी वो इस तरह से डिज़ाइन की गई थी कि वो एग्जैक्टली इंडिपेंडेंस डे पर जो है वो लॉन्च होगा और इंडिया को एक गिफ्ट मिलेगा, लेकिन अब जो है उन लोगों ने सॉफ्ट लैंडिंग की वजह से कुछ और चेंजेस की वजह से जो है उसको आगे एक्सटेंड कर दिया। अब पाकिस्तान की तरफ आते हैं, 14 अगस्त को पाकिस्तान जो है वो अपनी आवाम को गिफ्ट दे रहा है 500 फीट का एक झंडा जिस पर 40 करोड़ इन्वेस्ट हुआ है, 300 मिलियन को खबर हमने चलाई थी। चलो ठीक है, आप 300 मिलियन कर ले, 30 करोड़ कर ले, क्या 30? PHA ने उसके ऊपर 300 मिलियन रुपीस के टेंडर जमा करवाया था, वजारत खजाना से पैसे जमा मांगने के लिए लेटर लिखा था। इस डिफरेंस को कैसे देखते हैं? यही तो बात है, इसके ऊपर हमारे आप बात करेंगे या एक दो बंदे और बात कर लेंगे, मोस्टली बात नहीं करेंगे। गुज़श्ता 14 अगस्त की बात करें तो हमने गुज़श्ता 14 अगस्त को हमने एक नगमा जारी किया। अनफॉर्चुनेटली वो जिन्होंने जारी किया आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूँ, लेकिन हम ऐसी हमारी बदकिस्मती, हम यहाँ पे नाम नहीं ले सकते उनका। उन्होंने वहाँ पर इलेक्ट्रिकल कार की, इस 14 अगस्त को उनकी जो आपने बात की कि 40 दिन में वहाँ पहुँचेगा, उसकी रीज़न ये है कि उसका जो चंद्रयान 3 है उसका वहाँ पर पहुँचने की रफ्तार बहुत सुस्त है, क्योंकि उन्होंने पहले भी 2 दफ़ा तजर्बे किए, वो नाकाम हुए, लेकिन अब उन्होंने कहा कि हम स्पीड स्लो करेंगे ताकि ये एक बेशक ये 5 से 10, 10 से 15, 15 से 30 या 40 दिन लगाए लेकिन अपना टारगेट अचीव करें, जिसके लिए उन्होंने ये पूरा किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम फिर अपनी कौम को 500 मीटर लंबा झंडा देंगे 14 अगस्त को, आप भी उस दिन लाल सबज़ लाली परचम मुंह पे लगा के या सीने पे लगा के, सबज़ आपने कमीज पहनी होगी, वाइट शलवार पहनी होगी, ट्राउज़र पहना होगा, आप भी दिल दिल पाकिस्तान करेंगी, हम भी दिल दिल पाकिस्तान करेंगे और 15 अगस्त को फिर वही कि इंडिया हमारा दुश्मन है और हम बहुत ज़्यादा कौम है। तो अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ को मैं बदलना होगा। तो सिर्फ ये नहीं कि वो हमारा दुश्मन है, दुश्मन की भी पॉजिटिव चीज़ें होती हैं, हमें सीखना चाहिए उनसे। सो मेरा ख्याल है अब रिसेंटली 2 चीज़ें हैं, एक चंद्रयान 3 और दूसरा जो उनके रिजर्व इतने बढ़ चुके हैं, मेरा ख्याल है ये दोनों को ही हमें, हमारी कौम को, हमारे हुक्मरानों को, अनफॉर्चुनेटली वो तो उनके पास इतनी कुव्वत और सिकत नहीं है कि वो इसे सोच सकें, अभी तक तो वो ये सोच रहे हैं कि निगरान सेटअप कैसे आना है और PM कौन बनेगा, CM कौन बनेगा, शिबाशी अगर PM बनता है नवाज शरीफ और शिबाशिफ कहाँ जाएगा, तो बिलाल भुट्टो का फ्यूचर क्या होगा। तो यहाँ अनफॉर्चुनेटली हमारा मामला यहाँ जा रहे हैं, लेकिन बात आपकी भी यही है, बात हमारी भी वही है कि हमें इस चीज़ को आवाम तक पहुँचाना होगा कि चंद्रयान 3 के मुकाबले में हमें ऐसी क्या चीज़ करनी है। तो कम से कम हम चंद्रयान 3 भेज नहीं सकते, कम से कम हम नियत कर लें, जैसे वो कहते हैं हमारे कुछ मौलवी आज़ाद के, नियत कर लें, नहीं कभी सवाब है चिल्ले काटने के लिए,
तो हमें मेरा ख्याल है इससे बात पे ही बात को ख़त्म करते हैं, बात फिर लंबी हो जाएगी। एक सवाल मैं पूछूंगी उसके बाद पक्का आपसे मैं इजाज़त चालूंगी। सवाल मेरा आपसे ये है कि हम लोग जब बात तो कर लेते हैं, हम लोग चंद्रयान हो गया, उन लोगों ने जो है अब समुद्रयान भी इंट्रोड्यूस करवा दिए, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ठीक है जो उनकी तरफ से किए गए और इंडिपेंडेंट किए गए, और चंद्रयान 3 का जो लॉन्च था वो सिर्फ इसलिए भी जो है हम लोग ज़रूरी नहीं कहेंगे कि चांद पर जाने की उनकी तीसरी ट्राई थी जिसके लिए वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, बल्कि उन्होंने एक स्पेस लॉन्च व्हीकल भी इंट्रोड्यूस करवाया जिसके थ्रू चंद्रयान को सक्सेसफुली लॉन्च किया गया। दिस मेक्स इंडिया द 12th कंट्री जो कि अपना पर्सनल स्पेस लॉन्च व्हीकल रखते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम सुपारको पे। सुपारको एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो चाइना के थ्रू चल रही है, जिसने 2 प्रोजेक्ट्स किए। हम लोगों ने फिर क्यों ना सोचा, क्या हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है? आखिर क्या कमियां हैं जिसकी वजह से हम इस टारगेट को या फिर इस तरफ सोच भी नहीं सके, मोटिवेट भी नहीं हुए? नहीं, हमने सोचा बिल्कुल। आप 1970 की बात करें, 1970 से 1976 तक आप अगर थोड़ी हिस्ट्री निकालें और वो हम अपने व्यूज को दिखाएं, इस पे पूरा ब्लॉग करें आप, उस वक्त हमारा पाकिस्तान का जो स्पेस का डिपार्टमेंट था वो कहाँ तरक्की कर रहा था, ठीक है। फिर अनफॉर्चुनेटली बात फिर वहीं पे आ जाती है, मार्शल लॉ से हमारी जो सियासी अदम इस्तेकाम का मामला था, एक गवर्नमेंट पूरे कोई गवर्नमेंट 5 साल पूरे नहीं कर पाई, फिर हमारी कुछ ऐसे फौजी हुकूमतें भी आईं, मरल मामला ऐसे आए और करप्शन की भी मामला थे जिसकी वजह से उनको वो फंड्स नहीं दिए गए, जैसे PIA तबाह हुआ, पाकिस्तान रेलवे तबाह हुआ, PTCL हमने बेच दिया, ठीक है। अब आपकी स्टील मिल है वो बिकने वाली है, अब कह रहे हैं रेलवे भी हम बेचेंगे, PIA भी बेचेंगे, और आपके जो 3 एयरपोर्ट हैं इस्लामाबाद, लाहौर और कराची, वो भी हम उसकी आउटसोर्सिंग, नाम तो आउटसोर्सिंग बहुत अच्छा है लेकिन वो आउटसोर्सिंग सिर्फ नाम की हद तक है, वो बिकेंगे, ठीक है। तो मतलब कहने का ये कि हमारे पास अफरादी कुव्वत भी है, हमारे पास जहन भी है, सोच भी है, अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कुव्वत नहीं है जो कि इसको इम्प्लीमेंट करवा सके। वो एक कुव्वत है वो गवर्नमेंट, तो अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट को या तो इतना मजबूत होने दिया नहीं गया, अगर वो मजबूत हुई तो उनकी तरजीहात को तब्दील किया गया और उसका अनफॉर्चुनेटली जो असरात थे वो आम आदमी को पड़ा कि आज आम आदमी के पास 2 वक्त की रोटी खाने के पैसे नहीं है, ठीक है। बहरहाल बात जब खुलती है तो दूर तक जाती है, तो मेरा ख्याल है कि बहरहाल हमारी कौम को, हमारे नौजवानों को ये सोचना चाहिए, ठीक है TikTok भी है, बाकी मामला भी हैं, सोशल मीडिया भी है, लेकिन इसको अगर हम पॉजिटिव सेंस में यूज़ करें अपनी कौम की कुव्वत बढ़ाने के लिए, तो मेरा ख्याल है कि हम काफ़ी हद तक अपनी कौम का कौम के ज़रिए अपनी फिर हुक्मरानों का ज़ेहन तब्दील कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात ये इसमें कि ये इंडिया की जहाँ तक हम बात करें तो वहाँ के अगर मीडिया की बात करें तो वहाँ पे मीडिया ट्रायल आम बात है, ठीक है। वो हर चीज़ को इस तरह मैनिपुलेटेड करके लोगों के आगे इस तरह बताते हैं कि कोई भी जिसको समझ नहीं होगी या जो उनके नेचर को नहीं समझता होगा इंडिया की, वो उनकी बात के ऊपर यकीन भी कर लेते हैं और वो उसके ऊपर अमल भी करते हैं। और सबसे अहम चीज़ ये कि बींग अ पाकिस्तानी, हमारी कौम को कम से कम बहुत सेंस है कि क्या हकीकत है, क्या सच है और क्या झूठ है। पहले तो ये बात कि वो एक ठीक है, वो पाकिस्तानी थी, वो उसके जो मामला जो उसने किया उसको हम 2 तरीक़ों से लेते हैं। एक तरीका ये कि वो अल्लाह ताला के आगे खुद ही जवाब दे, क्योंकि ये एक मज़हब का मामला है, तो इसमें उसने बहुत गलत किया, इसका हम इसको अच्छा नहीं समझते, पर मेरे पास ये इख्तियार नहीं है कि मैं उसके ऊपर कोई फतवा दे सकूँ। हाँ, अब सीन इसमें ये आ जाता है कि आप ये देखें कि जो इंडिया जो वावेला कर रहा है, तो भाई बात ये है कि पहले तो आपकी सिक्योरिटी एजेंसीज के ऊपर बात आई, ठीक है, कि एक बंदा दुबई से चला, नेपाल पहुंचा, नेपाल से बॉर्डर क्रॉस करके आपके अंदर आ गया, आपको पता ही है। ये सारा वहाँ की गवर्नमेंट अपने आप को लोगों के आगे, दूसरे ममालिक के आगे, पाकिस्तान को कह लें कि गलत साबित करने के लिए ये सारा एक उनका प्लांटेड है। देखें, उन्होंने कहा जी वो एजेंट है, ये है, वो है, वो ना एजेंट है ना वो उसका वो कैलिपर है, और दूसरा जो एजेंट होता है वो कभी सामने नहीं आता, उसको तो ये पकड़ भी नहीं सकते। हमारी जो एजेंसीज हैं, हम बड़ा प्राउड फील करते हैं कि हमारे जो जवान हैं जो इन मामलात में इन्वॉल्व होते हैं, ये उनकी इनको उनकी हवा का भी नहीं पता होगा, ठीक है, कि ये अगर ये सोच लें इंडिया के वो इनके हाथ में लग जाएंगे और ये पकड़ लेंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी रहा ये इंडिया का एक हमेशा से किरदार रहा है कि वो सोशल मीडिया वॉर में अपने आप को बहुत बढ़ चढ़ कर बताते हैं,
चाहे वो यहाँ से गुब्बारा उड़ के चले जाए, पूरी दुनिया ने देखा, चाहे वो यहाँ से कोई कबूतर उठ के चले जाए, वो भी दुनिया ने देखा। तो ये तो एक जीती जागती औरत है जो बॉर्डर क्रॉस कर गई अपने दिमाग की खराफत की वजह से, जिसको के उसको हम दिमाग की बीमारी कहेंगे। सर आई गॉट इट। अच्छा सर, अगर हम लोग इस चीज़ को देखें तो पाकिस्तानी लोगों में भी बड़ा एग्रेशन जो है वो नज़र आया इस चीज़ को लेकर। लोगों ने भी कहा कि भाई उसका उसकी उसकी जो सज़ा है वो मौत है और इस तरह की चीज़ें हम लोगों ने बहुत सुनी सोशल मीडिया पर। अच्छा, पिछले दिनों में कराची के अंदर एक मंदिर डिमोलिश हुआ, उसको इस चीज़ से रिलेट किया जा रहा है कि लोगों ने सीमा हैदर का गुस्सा निकाला है, इस चीज़ को किस तरह से देखा? नहीं देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, हमेशा एक्शन का रिएक्शन होता है, ठीक है? ठीक है। मैं तो सिंपल ये कहूँगा कि इंडिया में अच्छे लोग भी हैं, बुरे भी हैं, पाकिस्तान में भी अच्छे होंगे और बुरे भी हैं। कुछ लोग कुछ चीज़ों को कैश करने के लिए या कुछ लोग इस तरह के इकदाम उठाते हैं। हमें ये देखना है कि हमारा मज़हब हमें क्या कहता है, इस्लाम किस चीज़ की तरजीह देता है, इस्लाम क्या फरमाता है, उसके मुताबिक चलना है। सबसे अहम चीज़ के जो यहाँ पे पाकिस्तान में है ही नहीं, मैं उनकी खातिर अपने मुल्क में तोड़ फोड़ शुरू कर दूँ तो ये गलत है। ये इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देखा। बीइंग अ मुस्लिम जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, देखें पाकिस्तान का झंडा है, झंडे के साथ जो सबसे पहले जो रंग आता है वो सफ़ेद आता है, उसके बाद ग्रीन आता है। सफ़ेद जो हम रंग को कहते हैं वो किसको करता है? नॉन मुस्लिम्स को। इसका मतलब है कि उस सब हलाली परचम को सफ़ेद कपड़े से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो इसका मतलब है कि हम कहते हैं कि जी हमारा मुल्क बना, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो इसका मतलब है कि हमारे मज़हब में इतनी ज़्यादा लचक है कि आप किसी की भी बात को बर्दाश्त करें। और हमारे मज़हब ने ये इजाज़त दी कि आप जितने भी अकलियत या जो भी हैं उनको साथ लेके चलें। हमारे पाकिस्तान में मुस्लिम्स भी के साथ हिंदू भी रहते हैं, मेरे कई दोस्त हैं क्रिश्चियंस हैं, मेरे बेशुमार दोस्त हैं, बेशुमार हैं, बल्कि वो बड़े अपने वो चर्चेज में पॉप्स और वो इन सीटों के ऊपर बैठे हुए हैं जो भी उनके एक होता है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप तोड़ फोड़ शुरू कर दें। क्या इंडिया में उन्होंने की? हाँ, इंडिया में जो मुसलमान हैं जो उनके ऊपर कर रहे हैं, हमें उसको हाईलाइट करना चाहिए। हमारे पास पाकिस्तान में और भी बड़े टॉपिक हैं इनको करने के लिए। यही सबसे बड़ी इंडिया की अपनी बेसिकली जग हसाई इंडिया की अपनी हो रही है। मैंने एक बात शुरू में आपको बता दी कि ये उसके एक ज़हनी खराफत थी जो उस औरत ने की और वो यहाँ से चले गई। वरना कोई भी समझदार पढ़ी लिखी खातून या कोई भी हो तो कभी भी ऐसा कदम नहीं उठाता। ये इसको हम ज़हनी बीमार कह सकते हैं। अगर इस चीज़ को अगर दुमाना चाहें तो इसका बड़ा सिंपल सा हल है, अल्लाह ताला कमी बेशी माफ़ फरमाए, हमें ये कर लेना चाहिए कि हम उसको ये डिक्लेयर कर दें कि यार वो एक क्या कहते हैं एबनॉर्मल औरत थी जिसका दिमाग काम नहीं करता था, उसने इतना इंतहाई कदम उठाया। चले मैं इसको इस तरह कर लेता हूँ कि क्या पता कि इंडिया ने खुद प्लांट की हो, ये भी हो सकता है, ठीक है, क्या पता वो इंडिया ने ही खुद उसको प्लांट किया हो, खुद बुलाया हो, ये आप इस चीज़ को, क्योंकि सर यहाँ पाकिस्तानी लोगों से मैक्सिमम यही आया है ओपिनियन कि इंडियन एजेंट है वो। बीइंग अ पाकिस्तानी, आप पाकिस्तान की हिस्ट्री उठा के देखें, चाहे वो 47 है, चाहे वो 71 है, चाहे वो 65 की बार है, 71 की, ये जितने भी मामलात हैं इसमें, इवन ये जो अभिनंदन था, क्या इससे बड़ी कोई मिसाल आपको दे सकते हैं पूरी दुनिया में? क्या पूरी दुनिया में इस तरह हुआ है कि एक मुल्क का कोई भी पायलट जो फौजी कोई भी किसी दूसरे मुल्क के ऊपर एक ऐसी कार्रवाई करे कि उस मुल्क को तबाह करने के लिए अटेम्प्ट करे और वो मुल्क उसको खैर सगाली के तौर पे वापस कर दे? ये सिर्फ क्रेडिट गोज़ टू मुस्लिम्स, ये सिर्फ मुसलमान की नसीब में आई ये चीज़, और मुसलमत उम्मा की ये बात है। तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ऐसा तरीक़ाकार जो उन्होंने हम लोगों को दे दिया, ये हकीकत है। क्योंकि मैं इन चीज़ों को इसलिए ज़्यादा बीच में ला रहा हूँ
क्योंकि यहाँ पे डेफिनेशन हिंदू और मुस्लिम की हो रही है, तो इसलिए मैं इस चीज़ को थोड़ा सा कहूँगा कि ये जितना भी मामला है मैनिपुलेटेड भी हो सकता है, क्योंकि इंडिया को हर वक्त कोई ना कोई शोशा चाहिए, चाहे वो कबूतर हो, चाहे वो एक गुब्बारा हो, चाहे वो खुद ही अपनी फसलों को आग लगाएं और सारे डाल दें पाकिस्तान के ऊपर, चाहे वो ट्रेन खुद चलाएं और डाल दें सारा पाकिस्तान के ऊपर। ये उनका एक हमेशा से किरदार रहा है। इसमें हमारी, मैं आप लोग, क्योंकि आप हम लोगों से बहुत छोटे हैं, सोशल मीडिया में एक चीज़ ये इसमें रखिएगा कि ये लोग जिस तरह की अटेम्प्ट करते हैं, शायद पाकिस्तान के लोग इसलिए नहीं कर पाते कि हमें इजाज़त नहीं है झूठ बोलने की, हमारे मुसलमानों को इजाज़त नहीं है, यहाँ तक कि हमारे तो इधर जितने मसलक के लोग रहते हैं जितने भी, वो भी नहीं झूठ बोलते यहाँ पे, तो जो क्रिश्चियन भी फिर रहा है, जो हिंदू भी फिर रहा है, जो सिख भी फिर रहा है, दोस्त हैं हमारे बेशुमार, मेरे बेशुमार दोस्त हैं, ठीक है। क्या मुझे ये बताएं उनमें से कोई भी झूठ बोलता है? ये यहाँ का, ये पाकिस्तान का, मैं एक चीज़ कहूँगा कि ये पाकिस्तान का एक कल्चर है। ये बाकी रहा कि वो एक ऐसा मामला है, इसके ऊपर हमारी एजेंसियों को मॉनिटर करना चाहिए और वो कर भी रही होंगी, वो आंख बंद करके, ये हम जो इधर बैठ के खाने खा रहे हैं, फिर रहे हैं, रात को सोते हैं, सुबह बड़े मज़े से उठते हैं, अपने कारोबार पे जाते हैं, जॉब करने वाला जॉब पे जाता है, जो बच्चे स्कूलों में कॉलेजेस में जाते हैं, हमारी बच्चे बेटियां सड़कों पे फिर रही हैं, किन के जितने सिक्योरिटी के इदारे हैं वो सब जाग रहे हैं, हम लोग मज़े से सोते हैं, वो नहीं सोते हैं। तो ये भी सब जहन में रखें कि सोए वो नहीं हुए, वो अच्छे वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं, अच्छे वक्त में अच्छा रिप्लाई करेंगे। और हमेशा हमारी पाकिस्तान की कौम ने, हमारी पाकिस्तान की फ़ौज ने, हमारे पाकिस्तान की